शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को आपने कई किलोमीटर तक पैदल चलते देखा होगा, लेकिन इस तरह नदी पार करते शायद ही देखा होगा। राज्य के कई जिलों में स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए ऐसे ही चुनौती भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ये ताजा तस्वीरें लैंसडाउन विधानसभा के सिमरशेरा, कलेथा, निगाणा, खचरबॉडी, सिद्धपुर, नवाण और मेघड़ा गांव के उन स्टूडेंट्स की हैं जो स्कूल जाने के लिए रोजाना अपनी जान हथेली पर लेकर ये नदी पार करते हैं। इन हालातों को सुधारने के लिए गांव वाले सरकार से पिछले 40 वर्षों से लगातार पुल की मांग कर रहे हैं। इस नदी पर पुल न होने की वजह से जान का खतरा बना होता है। कुछ समय पहले इस नदी के प्रवाह में 2 लोग भी बह चुके हैं, फिर भी सरकार ने इस इलाके के लोगों के लिए पैदल पुल की कोई व्यवस्था नहीं की। इस पे पुल न होने के कारण तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इतनी कठिनाइयां होती हैं। यहाँ पे आप जो गांव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे अब तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से आगे कम से कम 8-9 गांव ऐसे हैं जो यहाँ इस नदी पे से डिपेंड करते हैं, यहाँ से चलते हैं। लगभग इसमें हमारी 3-4 तो प्राथमिक विद्यालय हैं और इंटर कॉलेज हैं। तो ऐसे ही मतलब कि न जाने मतलब कितने ग्रामवासी हैं आगे की जिनको अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुल की मांग तो यहाँ विगत 30-40 सालों से चल रही है, लेकिन अब कई बार इसमें कुछ साल पहले इसमें मतलब कि सैंक्शन भी हो चुका था, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण मतलब कि जो उसके लिए धनावंटन नहीं हो पाया उसका हमको लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। विधायक जी से हमारी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हमें विश्वास विधायक जी द्वारा आश्वासन मिल रहा है सिर्फ, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। बरसात के समय में इस नदी के पानी में तेज बहाव रहता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, और ये छुट्टी तब तक रहती है जब तक नदी का पानी कम नहीं होता। कभी कभार तो स्कूल जाते समय पानी का बहाव कम रहता है, लेकिन स्कूल से आते समय बारिश की वजह से नदी का प्रवाह तेज हो जाता है, जिसके बाद स्कूली बच्चों को घंटों जंगलों में बिताना पड़ता है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जब मुझे स्कूल जाना होता है तो जब नदी आती है या फिर बारिश होती है तो स्कूल नहीं जा पाते हम, और हमें कई दिन की छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। अभी कभी जैसे सुबह स्कूल जाते हो फिर नदी आ जाती है, फिर घर कैसे आना होता, फिर क्या होता है? कहीं एक जगह पे रुक जाते हैं, और जब नदी कम हो जाती है तो कोई बड़ा लेने आ जाता है। आम जनता की इन बड़ी दिक्कतों के बारे में जब क्षेत्रीय विधायक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वन विभाग की दखलंदाजी नहीं होगी तो पुल का निर्माण किया जाएगा, और इतना कहकर विधायक महोदय चलते बने। इसमें अगर वन विभाग की अड़चने नहीं होंगी तो पुल बनाने में कोई समस्या, ठीक है, इसका संज्ञान लेंगे। लैंसडाउन विधानसभा से हैट्रिक मार चुके विधायक दिलीप रावत ने 3 किलोमीटर की दूरी पर डोटियाल में बिना जरूरत के सालों पहले मोटर पुल का निर्माण किया था, जो पुल आज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए तरस रहा है। लेकिन इन स्कूली बच्चों की जान और भविष्य की रक्षा करने के लिए प्रशासन को पैदल पुल का निर्माण करना होगा, वरना कभी भी इस नदी में बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उत्तराखंड तक के लिए कोटद्वार से विकास वर्मा की रिपोर्ट।